हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनालिटिकल सीए। उम्मीद आप सब अच्छे हैं, मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि अब कैंपस प्लेसमेंट चल रहा है, जो May 24 में क्वालिफाइड सीएस हुए हैं। सो फर्स्टली तो ऑल द वेरी बेस्ट उनको, जो भी उनकी कैंपस प्लेसमेंट है, जो भी उनके इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू एस इंटरव्यू फॉर ग्लोबल ऑडिट फर्म्स। If you have got consent, if you have got shortlisted and you have given consent for global audit firms like KPMG, GDC, KPMG Global, PwC, AC, PwC, SDC और आपका जो है EY GDS या कोई और ग्लोबल ऑडिट फर्म जो भी होती है, इसके अलावा Deloitte USI है, वो ऑफ कैंपस हायरिंग करती है। तो इनसे रिलेटेड इसमें आपको गाइडेंस मिलने वाली है। सो आई विल गाइड यू हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू फॉर दिस पार्ट। वी विल अंडरस्टैंड दिस इन होल दिस वीडियो। अगर स्टार्ट करें तो ग्लोबल ऑडिट फॉर्म्स हैं क्या? ग्लोबल ऑडिट फॉर्म्स बेसिकली जो बिग फोर का ही सेकेंड पार्ट मान लो, यानी कि यू नो ग्रुप कंपनीज हैं जो ग्लोबल ऑडिट्स करते हैं, लाइक यूएस बेस्ड कंपनीज के ऑडिट या अदर टेरिटरीज बेस्ड। अभी सभी जगह ट्रेड टेरिटरी हैं, उनमें सब में ऑडिट होता है। तो लाइक कैनेडा हो गया या कोई और अदर यूके यूएस, सब जगह डिमांड होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, तो वो हायरिंग करते हैं। तो ऑडिट सिमिलर रहता है, बस जो है यूएस गैप के अकॉर्डिंग होता है, वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जगह बेसिकली सेम होता है। प्रोसेसेस सेम होते हैं, प्रोसीजर सेम होते हैं, बस थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं प्रोसीजर वगैरह में, लिमिट्स वगैरह में बेसिकली। सो आपको प्रॉपर ऑडिट वैसे ही करना है। अब ये क्या होता है, ये थोड़ा सा ईजी क्यों जाता है, बिकॉज अगर हम बात करें अब आपको क्या प्रिपेयर करना है एज ए इंटरव्यूई, कैसे प्रिपेयर करोगे फॉर ग्लोबल ऑडिट फर्म्स, हाउ टू एस। सो फर्स्ट पार्ट होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंट्रोडक्शन, जहाँ पे आपको बताना होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जहाँ पे आपको ब्रीफ देना होगा आपके बारे में, आपने रिसेंटली जो भी क्वालिफिकेशन अचीव की है और साथ में आपने क्या क्या क्वालिफाई किया है, आपने आर्टिकलशिप कहाँ से की है, आर्टिकलशिप में क्या क्या किया है और कैसे कैसे प्रोसेस रही है आपकी, और जो भी आपके स्कूलिंग अगर जो भी आपके हाई स्कूलिंग वगैरह है, और आर्टिकलशिप में आपने क्या एक्सपोजर गेन किया है उसको प्रेजेंट करना रहेगा आपको। और उसका टाइम जनरली रहता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जो आंसर करते हो उसका आंसर का टाइम रहता है जनरली 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक का होना चाहिए, ज़्यादा लेंथ मत देना उसको। और उसमें अच्छे से कवर करना अपना, स्टार्ट करते हुए स्टार्ट करना थैंक यू बोलते हुए, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी से लेके फिर अपना स्टार्ट करना दैट आई एम रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सो। सो आप पूरा डिटेल में बताना और उसके बाद आप इसको फटम करो। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी इंटरव्यू, चाहे ग्लोबल ऑडिट फॉर्म होता है या नॉर्मल सीए फॉर्म्स होता है या इंडियन बिग फोर्स होते हैं या ग्लोबल बिग फोर है, तो इन सब का ये सेम पार्ट होता है फर्स्ट। उसके बाद आता है आपका रिज्यूम में। रिज्यूम में वो लोग क्या देखते हैं, रिज्यूम में आपका वो जनरली देखते हैं कि आपने कितनी चीज़ समराइज किया है, आपको कितनी नॉलेज है आपके एक्सपीरियंस की, कितना आपने एजुकेशन वगैरह कितना अच्छे से आपने वहाँ पे मेंशन किया है, सर्टिफिकेशन वगैरह वो सब देखते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपने अपना रिज्यूम बार बार पढ़ना है। आपको रिज्यूम में हर एक चीज़, हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट हैव यू कवर्ड, व्हाट हैव यू रिटन ओवर देयर, बिकॉज ऐसा कुछ हुआ आपने मेंशन किया है रिज्यूम में बट वहाँ पे क्वेश्चनिंग हुई और आप रिप्लाई नहीं कर पाए, तो एक नैरेटिव सेट हो जाता है कि आपका रिज्यूम फेक है, आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है ऐसा कुछ। तो वो उस चीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, अपने रिज्यूम जो भी है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है रिज्यूम पार्ट, कि रिज्यूम का पार्ट। इसके ऊपर आपके क्वेश्चनिंग आ सकते हैं, मान लो आपने मेंशन किया है कि टैक्सेशन किया है या ऑडिटिंग किया है, तो वहाँ पे क्वेश्चनिंग आ सकती है कि आपने कौन सी कंपनीज का ऑडिट किया है, व्हाट आर योर मेजर ऑब्जर्वेशंस, व्हाट वर योर मेजर ऑब्जर्वेशंस, और आपने कौन से फाइनेंशियल लाइन आइटम्स का ऑडिट किया है, और आपने क्या टैक्सेशन में क्या फाइलिंग की है। वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर से रिलेटेड पूछा जा सकता है आपके ऑडिट एक्सपीरियंस जो भी आपके रिज्यूम में, तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद थर्ड राउंड आता है टेक्निकल एस्पेक्ट। अब टेक्निकल एस्पेक्ट वही रिज्यूम से रिलेटेड होता है, उस पर भी पूछ सकते हैं कि बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है, कि जैसे कि मटेरियलिटी क्या होता है, रिस्क असेसमेंट, रिस्क कंट्रोल्स क्या होते हैं, और आपके सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, और आपके FSLIs के ऑडिट कैसे होते हैं, एश्योरेंस को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मान लो एश्योरेंस बेस्ड ऑडिट होता है तो मान लो फिक्स्ड एसेट टेस्टिंग या कि PPE टेस्टिंग करने के लिए आपको कौन से एश्योरेंस चेक करने होंगे, या ऐसा ही देखा जाए कि रेवेन्यू को चेक करने के लिए आपको कौन कौन से एश्योरेंस चेक करने होते हैं, ऐसे फाइनेंशियल लाइन आइटम और P&L लाइन आइटम से रिलेटेड आपने जो भी ऑडिट किया है और उनके कौन से एश्योरेंस आप अप्लाई करते हो, कैसे उनको टेस्ट करते हो, कैसे उनको ऑडिट करते हो, ये सब आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपकी टेक्निकलिटी और बेसिक देखी जाती है कि आपको बेसिक कितने अच्छे से प्रिपेयर है। तो अगर आपने ये भी अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो कहीं ना कहीं आपको एज मिलेगा ग्लोबल फर्म्स के ऑडिट इंटरव्यू को एस करने में। तो आपको क्या स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन,
रिज्यूम पार्ट अच्छे से पढ़िए, अपने रिज्यूम की बहुत वेल रीडिंग होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं हो जो आप आंसर नहीं कर पा रहे हो बट आपने लिखा हुआ है आपके रिज्यूम में। उसके अलावा हम देखते हैं तो फिर आपका टेक्निकल एक्सपेक्ट पे आ जाता है कि अपने जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं, बेसिक्स हैं ऑडिट के, वो अच्छे से होने चाहिए। आपको पता जो हमने सी ए फाइनल में पढ़े हैं उसके बाद भी पढ़ते हैं और डेली बेसिस पे हम अप्लाई करते हैं जनरली, FSLIs के ऑडिट कैसे होते हैं ये सब हमको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन बनता है जनरली कि टेल मी अबाउट योर फर्स्ट क्वेश्चन। जब आपने ये सब पढ़ लिया, टेक्निकल क्वेश्चंस हो गए, FSLIs के ऑडिट अच्छे से आपने पढ़ लिया, कैसे कैसे आंसर करना है इंटरव्यू में एंड ऑल, और आपका रिज्यूम बेस्ड प्रिपरेशन हो गई है, तो इन सब होने के बाद लास्ट में ओपन फॉरम एक चीज़ होती है। ओपन फॉरम जनरली क्या होता है, ओपन फॉर्म होता है कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, तो वहाँ पे आपको रिप्लाई करना होता है कि उसमें कुछ भी आपको रिप्लाई करना है, कुछ भी क्वेश्चन जरूर पूछ लेना है आपका, चाहे एग्जैक्ट रोल पूछ लो, चाहे आपका कि आपको किस चीज़ पर फोकस और करने की ज़रूरत है, उस तरह से पूछ सकते हो, बट कुछ पूछना ज़रूरी है। अगर आप नेगलेक्ट करते हो, इग्नोर करते हो, तो कहीं ना कहीं वो एक देखा जाता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में या जॉब में, तो यू शुड आंसर दैट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन दैट टेल मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, देन यू शुड आंसर दैट क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू विल प्रिपेयर वेल फॉर टेक्निकल पार्ट्स एंड बेसिक पार्ट एंड योर इंट्रोडक्शन पार्ट एंड योर इन लास्ट दैट वी से योर ओपन फॉरम एंड ऑल एंड बी। आप देखो ग्लोबल है तो US बेस्ड कंपनीज हैं, US बेस्ड कंपनीज के साथ वो डील करनी रहेगी, तो वहाँ पे आधी टीम आपकी US में होती है, US जो स्ट्रक्चर है, और आधी टीम आपकी इंडिया में रहती है, तो आपको बेसिक है तो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पे आपकी टेस्ट होती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखना है आपको, फ्लुएंस रखना है, इंग्लिश अच्छे से बोलनी है, ये चीज़ तो आपको फोकस में देखी ही जाएगी, बिकॉज आपको इंडिया में डील नहीं करना, आपको फॉरेन कंट्रीज़ में डील करना रहेगा, उनके क्लाइंट्स से वहाँ की आधी टीम रहती है। जब भी हम ऑडिट करते हैं ग्लोबल फॉर्म्स में ऐसे ही होता है कि एक्सेलरेशन सेंटर होते हैं या फिर SDC होते हैं, GDC होते हैं, तो आधी टीम इंडिया से सब करती है, आधी टीम US से करती है, दोनों मिलके एक ऑडिट को ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं, तो वो लोग क्लाइंट विजिट वगैरह करते हैं, मेजर पार्ट करते हैं, बाकी बैक एंड जो होता है वो हम करते हैं, या अब उसमें भी काफ़ी रोल हम करने लगे हैं, अब ज़्यादा रोल करते हैं जब मॉडल्स बदल रहे हैं एक्सेलरेशन सेंटर्स के, तो वो पार्ट अपने को देखना रहता है। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ द मेन थिंग, सो यू शुड फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर इंग्लिश फ्लुएंसी शुड बी टेस्टेड ओवर देयर, कॉन्फिडेंस लेवल टेस्ट होता है। तो आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ थ्रू आउट द इंटरव्यू, अपने कामनेस बनाए रखनी है, अपने रिलैक्स रहना है और अपने को आंसर करना है जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर interview, prepare well in case of any doubt, if you want any consultancy or if you want any guidance you can reach out to me, my contact details are given in description. All the very best for you.